बैतूल में 13 करोड़ की लागत से बने कलेक्ट्रेट की कंपोजिट बिल्डिंग की निर्माणाधीन लिफ्ट में गिरने से ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के दरवाजे के पास गंभीर हालत में मिला था, जिसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कलेक्टर ने तत्काल इस घटना की जांच के आदेश दे दिए। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग में लिफ्ट का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। बता दें, संयुक्त कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का शुभारंभ 10 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। मेरे पिताजी हैं, सुबह 6 बजे से ड्यूटी थी बाढ़ राहत में, कंट्रोल रूम में ड्यूटी है ऐसा बताया उन्होंने। सुबह 6 बजे ड्यूटी के लिए निकले और फिर हमारे पास में अचानक किसी का मैसेज आया, मैसेज नहीं मतलब कॉल भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, किसी के द्वारा खबर भिजवाई। फिर हमारे जीआईजी अंकुश साबले और हमारी माता राम आई, अब यहाँ आकर पता चला कि लिफ्ट के दरवाजे से सीधे नीचे गिर गए। कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग में पंडित धोटे पॉलिटेक्निक कार्यालय का फ्यून है 61 साल का। सुबह 3rd फ्लोर से लिफ्ट का जो गेट है वहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरने के कारण उसकी डेथ हो गई है। अभी मर कायम कर उसमें जांच की जा रही किसकी लापरवाही है, कैसे पहुंची।